आज महाधरना के तौर पर जमा हुए हैं। इसका मौकू ये है कि हाल ही में हमारे एक दोस्त का इंतकाल होगा हार्ट अटैक की वजह से। इनकी नौकरी बहुत ही दूर निजामाबाद में डाला गया है, हालांकि वो रहते हैं तांडूर में, तो हमें हिचारे भी नहीं देती डिपार्टमेंट। इसलिए हम ये धरना पेश करके हुकूमत से चाह रहे हैं कि हमारा जल्द से जल्द ट्रांसफर करें, क्योंकि हमें हिचारे नहीं दे रहे हैं और हमें हमारे मुकाम से बहुत दूर हमें नौकरी के लिए ट्रांसफर करके 10 साल हो गया, हमारे ट्रांसफर नहीं है। तो लिहाजा हम हुकूमत से और हमारे कमिश्नर साहब से ये मुताला कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे रेगुलराइजेशन के ताल्लुक से भी गवर्नमेंट जल्द से जल्द ऑर्डर पास करे। हमारे लोग बहुत मुश्किल और खौफजादा हैं कि हुकूमत तेलंगाना हुकूमत बनकर 4 साल हुआ लेकिन अभी तक हमको रेगुलराइजेशन नहीं हुआ। तो हमारा गवर्नमेंट से और कमिश्नर साहब से मुताला है कि जल्द से जल्द रेगुलराइजेशन के और ट्रांसफर के ऑर्डर पास करें। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहीम है, मैं माइनॉरिटी का सदर हूँ, तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी सदर हूँ, मोहम्मद अब्दुल रहीम। फैमिली के कॉलेजी का हूँ। मेरा नेटिव मुकाम जो है ना मेदक है और मैं वर्किंग जो है ना जटसले में काम अपनी खिदमत को अंजाम दे रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लेक्चरर्स हैं जो अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर दूसरे दूर दराज मुकाम पर काम कर रहे हैं। हाल ही में मेरे एक दोस्त मेरे डिपार्टमेंट जोलॉजी डिपार्टमेंट के एक लेक्चरर का इंतकाल हो गया, यानी कि उनका नेटिव प्लेस पर ही है और उनको पोस्टिंग कहाँ पर दी गई थी, निजामाबाद बिचपली, ज्यादा से उनको जितना किलोमीटर दिया था 250 किलोमीटर दूर पर वो अपने खिदमत का अंजाम दे रहे थे। उनके वालिद साहब का भी जो है ना हार्ट अटैक का, यानी कि हार्ट अटैक आया और उनको जो है ना हार्ट सर्जरी भी हुई, तो ना उन्हों घर को टाइम दे सक रहे थे ना कॉलेज को टाइम दे सक रहे थे। और ट्रांसफर्स के बारे में जो है ना ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर पे तवज्जो दिए थे, मगर बदकिस्मती ये है कि हमारे ट्रांसफर नहीं बोल के बोलने की वजह से आज यहाँ पर धरना के शक्ल में जो है ना मुनक्किद किया गया एक प्रोग्राम को। हमारे डिमांड्स है गवर्नमेंट से, हम भी जो है ना 10 साल से 5 साल से 8 साल से